तो आज हमारे स्टीम ने मम्मी यहाँ बोर प्रेस लगाया है। लगा है या ओ ठीक हो जा छोड़ अब वो ना ठीक। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सिर्फ 6 दिन बाकी है अब, ठीक है, लेकिन आज जो है हमारा संडे रेस्ट डे है, पर आज भी मैं जा रहा हूँ जल्दी आना घर। हाँ तो लेकिन आज हम जा रहे हैं स्टीम लेने के लिए, बस लेंगे स्टीम और वापस आ जाएंगे, एक आध दो पोजिंग भी मारेंगे फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि पोजिंग बहुत जरूरी है जैसे कि सर ने कल बोला। तो वहाँ थोड़ा पतला दिख रहा है, गालों थोड़ा पतला दिख रहा है, कुछ दिन बाद थोड़ा सा और दिखेगा क्योंकि ड्राई हो रहा है स्किन, स्किन थोड़ा पतला हो रहा है क्योंकि हम थोड़ा कार्ब्स थोड़ा कम खा रहे हैं। कल नखून लग गया फट से ना पीठ में, मम्मी कोला मिल खुला दो पेट में, हमारा हाथ भी पहुंच रहा है, खून लगाई और चूड़ी से ऐसा चीर दी। जानते नहीं जानबूझ कितने हुआ है। अभी मैं चल रहा हूँ, इंतजार कर रहे हैं आप लोग। मैं हमेशा लेट होता हूँ लेकिन आज अभी खुला है जिम, मैं कुछ ज्यादा लेट नहीं, बाकी टाइमिंग के हिसाब से लेट हो गए हम लोग। 9 बजे का टाइम था, हम लोग 9:30 के आसपास स्टीम लेने के लिए जा रहे हैं। पहले एक बार था लेट कौन किया इस बार, देखो नींद दिख रहा है, नींद दिख रहा है आंखों में। बाप रे एक घंटे से 15 मिनट पहले तो फोन नहीं उठा रहा था ये मेरा सौरभ, मैं बाइक में था ना। अच्छा इसलिए क्या, बाकी पहुंचे अभी है ना, ज्यादा झूठ नहीं बोल रहे ब्लॉग में, ब्लॉग में बहुत झूठ बोल रहे हैं भाई लोग। एंट्री क्यों कर रहा हूँ, जिम थोड़ा जाने का। चलो सबसे पहले उठने वाला लड़का सबसे लेट आ रहा है। कौन मैं ना, लेग में मार रहा हूँ कल, अभी क्रॉस ट्रेनर करूंगा, लेकिन ये दोनों चालू हो गए तो कैसे भाई, ये तो चार्जर ले रहे थे, क्रॉस ट्रेनर चुरा लिया जाए। यार बिना शूज के बनता नहीं यार वर्कआउट करते, एकदम गड़ रहा नाखून। भाई गार्डन में घूमने आया हो क्या, अच्छे से करो। मैं ये व्लॉग बंद कर रहा हूँ अभी। थोड़ी बहुत पोजिंग करके अपन डायरेक्ट निकल रहे स्टीम के लिए, ये बहुत टाइम हो गया, लगभग 10:30 बज गए अपने को, 11 बजे तक घर जाने का है, ज़्यादा टाइम भी बिता नहीं सकते ना, संडे रेस्ट करेंगे सबके सब, ज़्यादा लेट भी नहीं कर सकते। काफ़ी लेट हो गया, मम्मी 2 बार फोन कर दिए, मैं स्टीम ले रहा था पता नहीं चल रहा था क्योंकि एक बार लाइट गोल हो चुकी थी यहाँ पे, तो फटाखे घर निकलते हैं, आज रेस्ट डे, रेस्ट नहीं कर पाएंगे नहीं तो। हम लोग जा रहे हैं, मैं वही बोल रहा था कि मैं मम्मी का फोन आ गया 2 बार, मैं 11 बज गया बोल रहा हूँ, लेकिन वो 12 बज गया, सर रुकवा दिए वीडियो एडिट करने के लिए, अभी हमारा होगा वीडियो एडिट, उसके बाद जाने देंगे, उसके बाद मेहर को छोड़ेंगे। मैं छोटे बाल में अच्छा दिख रहा हूँ कि बड़े बाल में अच्छा दिखता हूँ, पहले ये मेरे को जज करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मैं बड़े बाल में अच्छा दिखता हूँ, अपने YouTube फैमिली पे छोड़ दो, YouTube फैमिली पे छोड़ देते हैं कि आप लोग बताओ कैसा लग रहा है, क्या बाल रखो, क्योंकि वहाँ पे ना अच्छा दिखना भी जरूरी है, एज अ फेस एक्सप्रेशन अच्छा रहना चाहिए, बाल अच्छा दिखना चाहिए। हाँ जी आप बताया था सर, अभी पूछे ना यूट्यूबर है क्या, बस बना लेता हूँ वीडियो ऐसे व्लॉग्स डेली लाइफस्टाइल। ये यूट्यूबर है मेरे 5 मिलियन 50 लाख। भाई तुम लोग ने तरबूज कट रहा है यार, मैं तो ऑरेंज खा के खुश हूँ। मीठा नहीं है ये, खाइए मीठा। मम्मी हम लोग अभी मोनू भाई के लिए कुछ आयुर्वेदिक पत्ता लेने जा रहे हैं, जिससे इसका भाई का बाल थोड़ा सा डार्क ब्लैक हो जाए। नहीं, मैं नहीं मानता। पहले बता से पेड़ कहाँ है? क्या क्या कर रहे हो रे? आज तो पूरा रेस्ट डे था मेरा, बस तो सोया हूँ, मस्त तो उठा हूँ, रेस्ट किया हूँ, सिर्फ सोया हूँ, खाया हूँ, सोया हूँ, खाया हूँ, सोया हूँ। क्या हो गया? जाओ सो जाओ। नहीं सोऊंगी। नाटक देख लो। देखने दियो आज? कैसे आज तो कोई डिस्टर्बेशन नहीं हुआ? डिस्टर्ब हुआ है मेरे को। कैसे? कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ गाइस, नहीं हुआ ना? फोन में फोन आ रहा था, फोन आ रहा था इसलिए ना, तो ये मैं कैसे डिस्टर्ब किया भाई, फोन तो मामा लोग को आ रहा था। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप भी क्या कर सकते हो, आप भी क्या कर सकते हो, ले जाना पॉलिस में। हाँ मेरी तो एक ही देती है लेकिन वो भी फोन नहीं करती। कैसे देख रही होगी ना व्लॉग, कैसे याद याद नहीं आता क्या? नहीं आता ना? क्या होगा रे? क्या लाना है? पन्नी? मेरे घर के पास नहीं है, थोड़ा सा आगे, इसलिए मैं कभी देख नहीं पाया। आले बालों का राज, ये आयुर्वेदिक किसके पत्ते? मेहंदी के पत्ते। तुम लोगों को मैं एक चीज दिखाऊं, हॉट रेट चल रहा है, जादुई
कुआं जानते हो? तो गाइस आपको और इन दोनों को मैं चाव दिखाना चाहता हूँ। ये है मैजिकल कुआं, बचपन में बहुत खेले इसके साथ। इसमें एक पत्थर डाल, बचपन में बहुत संपत्ति खराब हो गई इस चीज का। सुनना ना, फटा ना फटाका। डन डन मैं बहुत, अब तेरे बाल गोरे हो जाएंगे। अब तेरे बाल का, अबे इतना गोरे से काला तो क्या करूं मैं, बुड्ढा हो गया। और कुछ इसमें महंगा वाला बहुत है, दिखाओ ना महंगा वाला को ही बताओ। मेरे को ये चश्मा पसंद आया है, पकड़ दो भाई इधर दिखा। ये चश्मा कैसा लग रहा है? 1x पे कर दो, मस्त दिखेगा। ये चश्मा कैसा लग रहा है एकदम? कमेंट में जरूर बताइए, ये चश्मा मेरे पे सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं यही वाला अच्छा लग रहा है, ये डैम इज। लेकिन सही बता रहा हूं भाई, वो पहला वाला जिसको जो मैं पहना था ब्लू वाला, वो सबसे बेस्ट था। ये फालतू लिया है तू। गेस द प्राइस ऑफ दिस चश्मा कितना होगा? दोनों मेरे को, और जो सही बताएगा उस चश्मा इसका गिव अवे देगा भाई। मैं सही में दे दूंगा भाई, जो सही रेट बता दिया ना इसका उसको मैं सही में दे दूंगा, और मैं आपको रेट पूछवा भी दूंगा। हां सही में, जो सही रेट हाँ, जो सही रेट बताएगा उसको गिव अवे ले लेना भाई। खर्चे वाले लोग, खर्चे वाले आके ले लेना, बाहर वाले को कहाँ से पाएंगे? बाहर वाले यहाँ आएंगे तो दे दूंगा, तो भी दे दूंगा। हाँ ठीक है, गेस द प्राइस गाइस, गेस द प्राइस। रुको आपको लाडो दिखाता हूँ। लाडो हाथी राजा कहाँ चले, सुंड हिला कर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पे, कुर्सी बोली चटर पटर, चटर पटर भाई चटर पटर, कुर्सी बोली चटर पटर। और नहीं आता रे, खाइए कुछ। हेलो पानी पी है बस। तो आपको एक और अपडेट देता हूँ मस्त वाला। ये जो रिंग लाइट है उसकी तार बहुत छोटी होती है, मतलब यहीं कहीं पास आस पास आप वीडियो शूट कर सकते हो, लेकिन पापा ने इतनी लंबी तार, 5 मीटर को ना, 10 मीटर लाया हो रहते हैं पापा लोगों, तो 11 मीटर की तार कहीं भी ले जाओ घर में, यहीं पे स्विच लगाओ और कहीं भी घुमा लो घर पे। वैसे भी उतना बड़ा घर नहीं है, लेकिन जितना बड़ा भी है ये सारा कहीं भी निकल जाता है। तो अभी मैं पोजिंग देख रहा हूँ, क्योंकि सर ने जैसे बोला था कि पोजिंग बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अब जितना बनना था बॉडी, जितना स्ट्रक्चर बनना था, वो सारी चीज़ें बन चुकी है। अब बस हम क्लीन और ड्राई कर रहे हैं स्किन को, जैसा हमारा जो लास्ट स्टेज है, सिर्फ 6 दिन बाकी है, आज को मिला के, कल को मिला के 5 दिन बाकी होंगे। तो पोजिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो मैं सिर्फ पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकली अभी पोजिंग करूंगा, अभी करूंगा। अभी थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे हम, ठीक है, इससे उसके बाद हम पोजिंग करेंगे 1-2 घंटे तक, ठीक है, मेन फिजिक्स और बॉडी बिल्डिंग दोनों का, ठीक है, क्योंकि हम स्टेज पे जाके अच्छे से प्रेजेंट कर पाए अपनी बॉडी को, क्योंकि जितना अच्छा बॉडी दिखने में है उतना अच्छा प्रेजेंट ना कर पाए तो सबसे ज़्यादा बेइज्जती हमारी, हमारे गुरुजी सबकी होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमको प्रेजेंट करना, कि हम कैसे अपने बॉडी को प्रेजेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ हमको प्रैक्टिकल करके भी देखना पड़ेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सारी पोजिंग हुई, बहुत सारी चीज़ें गलत सही पता चली, वीडियोस देखने के बाद ही पता चलती कि अपनी खुद की गलती क्या है, तो उसको मैं सुधार रहा हूँ। ट्राई करता हूँ कि हमारे 9 तारीख तक जो हमारा कंपटीशन है वहाँ तक आते आते मैं सारी चीज़ें ठीक कर लूँ, ठीक है, बाकी हो जाएगा। माँ आ रहे हो क्या आज? आ रहे हो क्या आज? मम्मी भी हमारे साथ देगी 30 मिनट वॉक्स करने में। वॉकिंग कर रहे हो? चलो और बताओ, मैं क्या चीज़ें बदली आपकी ज़िंदगी में? सब कुछ बदल गया। जैसे कि? दीदी का शादी हो गया, तू कमाने के रास्ते में आ गया, और क्या चीज़? और बॉडी बन गया उसका? बॉडी बन गया। मैं आज तुम्हें दिन भर रेस्ट कर रहा था, रेस्ट कर रहा था, सोया था मस्त, बॉडी को एकदम शांत रखा। मैं दोपहर क्यों नहीं सोती मालूम, फिर मेरा सिर भारी हो जाता है शाम को, मैं जो सुबह उठती ना मैं सोती नहीं हूँ दिन भर।
बाकी ठीक है माँ। बाकी ना इस जर्नी में एक चीज तो जरूर सीखा माँ, डिसिप्लिन, टाइम कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइम सबको पता है कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कैसे सीखा बता रहा हूँ आपको। जैसे कि माँ मेरे को ना सुबह 7 बजे उठा देती थी पहले, क्योंकि मेरा 8 बजे एक मील रहता था खाने के लिए। अगर मैं वो छूट गया मेरे उससे, है ना, 8 बजे मेरा मील छूट जाता है, तो मेरे को 9 बजे खाना पड़ेगा। हर 1-1.5 घंटे के बाद मेरा एक मील था, ठीक है। जब मैं कॉम्पिटिशन स्टार्ट कर था ना, जब कॉम्पिटिशन तैयारी स्टार्टिंग थी मेरी, तब मेरे को स्टार्टिंग में हर 1-2 घंटे के बीच में कुछ खाना था। अगर मैं 8 बजे वाला मील अगर मैं गैप कर लिया, तो मेरे को उसके अगले वाला जो टाइम है उस पर उस मील को खाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तकलीफें देगी मेरे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर इतना सारा हो जाएगा। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जब हम किसी चीज़ को कर रहे होते हैं ना तब पता चलता है। तकलीफ करेगा तब जाके आगे बढ़ेगा कोई भी हो। तकलीफ नहीं मम्मी, तकलीफ नहीं, मैंने टाइम डिसिप्लिन मानोगे तब आगे बढ़ेगा। देखो मोटिवेशन मेरे को नहीं पता, मोटिवेशन मेरे को ऐसा लगता है कि अप एंड डाउन ग्राफ है, कि आज माँ मेरे को मोटिवेट कर रही है, कोई और मोटिवेट कर रहा है, फिर कोई किसी का मोटिवेशनल मैं वीडियो देख लिया तो मैं उसी दिन जोश में आ जाऊँगा। लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसा चीज़ है वो आपको कंसिस्टेंट रखता है, कि मेरे को सुबह ये काम करना है तो यही काम करना है, रात को मेरे को ब्लॉग एडिट करना है तो यही करना है, मेरे को सुबह पढ़ना है तो सुबह पढ़ना है, इस टाइम पे पढ़ना है, इस टाइम मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन में आती है, कि मेरा इस टाइम को कोई भी नहीं बिगाड़ सकता, ये टाइम मेरा है तो सिर्फ मेरा है, ये मैं मानता हूँ। तो इस चीज़ मैंने ये सीखा। आई होप आपको ये पूरी सीरीज़ पसंद आ रही होगी। बाकी सिर्फ 5 दिन बाकी रहेंगे अगले व्लॉग से, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पिक डेज है, मेरा तो बॉडी अभी से थोड़ा बहुत हाँप रहा है, लेकिन मैं इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ख्याल रखिए अपना और अपने पेरेंट्स का भी, मिलते हैं जल्दी से लोग को, तब तक के लिए